हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो द एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग वेरी क्लोजर एंड वी हैव टू कवर अ लॉट विद इन अ मंथ. सो यू जस्ट स्पीड अप एंड वट एवर आई एम सेंडिंग यू, यू अंडरस्टैंड इट एंड यू लर्न इट एंड प्रिपेयर इट फॉर द एग्ज़ाम. सो टुडे आई विल टीच यू टॉपिक रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 11. So here we begin. First we see physical properties of alcohols. Alcohols are the aliphatic hydrocarbons in which hydroxyl group is the functional group, and similarly the group of same compounds having hydroxyl group are called as the homologous series of alcohols. The series begin from CH3OH, that's methanol, and the next member is C2H5OH ethanol, and next the series goes on. So we will be observing some of the very important physical properties of alcohols across the homologous series. So point number one is the lower alcohols, means the starting member like methanol, ethanol and propanol, are colorless toxic liquids with sweet smell and burning taste. The next property is they are readily soluble in water, but the solubility decreases with the increase in carbon number. Yani as we go ahead in the series, the bulkier alcohols will not be as much as soluble as the smaller alcohols are. So is tarah se across the series सॉलिबिलिटी इन वाटर जो है वो डिक्रीज होती नज़र आएगी. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन करिस्पॉन्डिंग एल्केन्स. अब एल्केन्स के साथ इसको क्यों जोड़ा है, मैं याद दिला दूँ आपको कि सबसे छोटी एल्केन थी मीथेन, और मीथेन में सिर्फ एक कार्बन था, और जब मीथेन से मीथेनॉल बना तो वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो अगर हम इन हाइड्रोकार्बन से ही इनको कंपेयर करते हैं, सो एल्केन्स के हिसाब से एल्कोहल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हायर हैं. पॉइंट नंबर टू और पॉइंट नंबर थ्री का जो यूनिकनेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनमिना है जो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल्स में ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, आप फर्स्ट ईयर में भी अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मैनी मॉलिक्यूल्स. ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज जनरेट कर रही हैं ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. होता क्या है कि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, और हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं रुकता बल्कि वह ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. रिजल्टेंट हाइड्रोजन के पास स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और ऑक्सीजन खुद हो जाता है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज. दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल इसी तरह अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड दे आर बाइंडेड विद अ फोर्स विच एग्जिस्ट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में आता है. अच्छा, अब हम एक नई नौइयत देखेंगे कि एल्कोहल्स में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो किस तरह से होते हैं. तो शॉर्टली आपको बताया कि एल्कोहल्स के जो रिएक्शंस हैं वो दो तरीके से होते हैं. दो तरीके से मतलब, अब यहाँ पर कार्बन है, दिस इज़ कार्बन एंड ऑक्सीजन विच इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज़ हाइड्रोजन. अब पहली तरह के रिएक्शंस में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कुछ इस तरह से कि एल्कोहल्स में से ये OH ग्रुप निकलेगा. सो दीज रिएक्शंस विल बी इन्वॉल्विंग विद द ब्रेकेज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड. द अदर कंडीशन विल बी द ब्रेकेज ऑफ दिस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, लाइक दिस ROH में से ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसमें आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से स्प्लिट अप होगा. सो हम देखते हैं कि ये कौन से रिएक्शंस हैं जो कि कंडीशन नंबर वन में आते हैं और वो कौन से रिएक्शंस हैं जो कि कंडीशन नंबर टू में आते हैं. अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि रिएक्शन कोई भी होता है आपने उसको पहले जनरली समझना है, यानी जनरल इक्वेशन लिखकर पहले आप उस रिएक्शन का
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझेंगे और फिर उस जनरल रिएक्शन को आप एग्जांपल्स पर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना आसान हो जाएगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पहली और आखिरी दफ़ा अपने मैट्रिक और इंटर में पढ़ते हैं और इतनी डिटेल में पढ़ते हैं, सो इंट्रोडक्शन भी यही होता है, इसकी टाइप्स भी इसी में पढ़नी है और इसकी एप्लीकेशन भी, तो ज़रा थोड़ा सा बर्डन स्टूडेंट पे ज़्यादा होता है। मगर इसको अगर समझ लेते हैं तो इन इक्वेशंस को समझने के बाद मेमोराइज करना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम समझेंगे वो कौन से टाइप्स हैं जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है। ओके, सो वी सी द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड आर सिमिलरली लाइक इफ वी राइट C2H5OH रिएक्टिंग विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, द प्रोडक्ट इज C2H5Cl सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये रिएक्शन कुछ याद दिला रहा है? हाँ जी, ज़रूर याद दिला रहा है, जहाँ हमने चैप्टर नंबर एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में जहाँ प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड स्टडी किया था। सो ये पहली इक्वेशन थी कि अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल आई जिसमें आप देखोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटेगा और इस OH ग्रुप की जगह आके लग जाएगा आपका क्लोरीन एटम। ओके, अब रिएजेंट क्या है? थायोनाइल क्लोराइड, पाइरिडीन इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। यही नहीं, एक और इक्वेशन हम देखते हैं कि सपोज अगर C2H5OH दैट्स इथेनॉल रिएक्टिंग विद HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो प्रोडक्ट है C2H5Cl, बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन से। याद आया? ये रिएक्शन भी आप पढ़ के आए हैं प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स में। सो आपके लिए देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो रही है, जो रिएक्शंस आप पहले पढ़ चुके हैं आप उसको दोबारा स्टडी कर रहे हैं, यानी दोबारा उनको रिपीट कर रहे हैं, तो आपने याद एक दफ़ा ही करना है मगर उसको किस जगह किस जवाब में आपने सेट करना है, अब ये आपकी एडजस्टमेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम एक और इक्वेशन है जो कि टेक्स्ट बुक से मैं उठा रही हूँ, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल और इथेनॉल विद NH3, दिस इज़ अमोनिया जिसको ऐसे करके लिखा है, सॉरी दिस इज़ 2। ओके, और प्रोडक्ट बन रहा है C2H5NH2। मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है SN रिएक्शंस, शायद ये SN रिएक्शंस हो, यू चेक इट आउट। मगर एक बात जिसकी तसल्ली रहे कि यहाँ पर दोबारा हमारा OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है NH2 ग्रुप से। हाँ जी, क्या याद आया? द रिएक्शन इन विच वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर न्यूक्लियोफाइल। हाँ, तो SN रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड के नहीं बल्कि और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी हो सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 2 टाइप जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता नजर आएगा। फर्स्ट वी सी द फर्स्ट रिएक्शन। ओके, आई सेव इट फॉर यू। We see the first equation in which C2H5OH reacts with sodium metal. The product is C2H5ONa, यानी यहाँ से splitting हुई है और by product is H2. Reaction को balance भी करते चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें दो हाइड्रोजन चाहिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल से वन हाइड्रोजन इज कमिंग आउट, सो अगर हम डबल अप कर देते हैं तो वी विल गेट अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर क्या लग रहा है कि इथेनॉल के मॉलिक्यूल ने एक H रिलीज किया है, ठीक है, और ये शो करता है एल्कोहल की एसिडिक प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा मैंने आपके दिमाग में बस ये बात अभी डालनी है, फर्दर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कार्बोनाइल की पढ़ेंगे, तो इस बात को मैं ज़्यादा वहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। ठीक है बेटे, दूसरा इक्वेशन देखें, इथेनॉल C2H5OH
plus CH3MgI. याद आया ये कौन से कंपाउंड्स हैं? हाँ जी, ये है ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स. ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटैलिक कंपाउंड्स, जिसमें मेटल मौजूद होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. और यहाँ पर आपको मिलता है CH4. हाँ जी, अब मेरे स्टूडेंट्स को जल्दी से याद आ रही है वो बात जो मैंने उनको पहले ही पढ़ा दी थी, मेकिंग ऑफ या मैन्युफैक्चर ऑफ एल्केन में. यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है? दिस इज मीथेन. सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेकिंग ऑफ और मैन्युफैक्चर ऑफ alkanes. Okay, now we see one more example. Ethyl alcohol reacting with CH3COOH. इस एसिड का नाम क्या है? इस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड. ये कहाँ पाया जाता है? ये विनेगर में पाया जाता है. वेरी गुड. अच्छा, अब यहाँ एसिड कैटलाइज्ड रिवर्सिबल सिस्टम है और प्रोडक्ट है CH3COOC2H5. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है. इसका नाम है इथाइल एसीटेट. और याद रहे कि ये एक स्टेरिफिकेशन है और इसकी स्मेल फ्रूटी होती है. सो इस रिएक्शन को हम डिस्टिंक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में बाय प्रोडक्ट बनता है H2O. नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में इस इक्वेशन को हम 3 से 4 दफ़ा रिपीट होता देखेंगे. और इस इक्वेशन का नाम है स्टेरिफिकेशन. ये इक्विलिब्रियम है जिसमें इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एस्टर होमोलोगस मेंबर बनता है. और इथाइल एसिटेट की स्मेल फ्रूटी है, दैट इज़ वाई इसको हम किसी भी डिस्टिंक्शन टेस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, अब हम कुछ और रिएक्शंस देखेंगे अल्कोहल्स के. अभी हद तक हमने 2 रिएक्शन स्टडी किए हैं, एक जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. अब जनरली मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी कि अल्कोहल्स क्या हैं. अल्कोहल्स हैं ROH, ठीक है. एंड वेन एवर वी आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज, इस बात को समझा रही हूँ जो कि आगे जाके आप तकरीबन 7 to 9 टाइम्स इस चीज़ को रिपीट होता देखेंगे जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की. सो मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कभी एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है RCO ग्रुप. ये है कार्बोनाइल ग्रुप्स, कार्बोनाइल यानी जो फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है वो OH से CO में हो रहा है, ठीक है. और कार्बोनाइल कंपाउंड्स 2 तरह के होते हैं ना, एक होते हैं CHO वाले यानी एल्डिहाइड्स और एक होते हैं CO वाले जिनके दोनों तरफ कार्बन लगा होता है. ऐसे ही है, तो ये बन जाते हैं कीटोन्स. तो अब आप देखोगे कि 2 तरह के कंपाउंड्स मिलेंगे जब आप कभी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे. तो आसानी के लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी आपका अल्कोहल प्राइमरी होगा तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड, ओके, आसानी के लिए. और जब भी कभी अल्कोहल होगा सेकेंडरी तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा वो होगा कीटोन. चलो अब इसकी इक्वेशन भी देखते हैं. ओके, सपोज वी हैव एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इन विच वी आर टेकिंग CH3CH2OH प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन कहाँ से आई? एक बेस्ट रिएजेंट जो कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है. ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि K2Cr2O7 है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4. बनना क्या है? ऑक्सीडेशन होनी है OH ग्रुप की और 2 कार्बन वाला अल्कोहल है एंड यू विल गेट 2 कार्बन एल्डिहाइड. CHO, एक कार्बन चला गया फंक्शनल ग्रुप के लिए और दूसरा कार्बन चला गया एल्काइल.
ये बातें बेटे आपको किताब से नहीं पता चलती, ये बातें समझने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत होती है और वो टीचर आपको आसान कर देता है आपके टॉपिक को समझना और उसको याद करना। यानी यहाँ पर हुआ क्या है, देखो ये वाला अल्कोहल जो था वो प्राइमरी था। कैसे प्राइमरी था? क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप था वो जिस कार्बन पे अटैच था उस पर दो हाइड्रोजन और एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था ना, सो इस हिसाब से ये प्राइमरी हुआ। और अगर एल्कोहल प्राइमरी होता है तो ऑक्सीडाइज होकर उसने एल्डिहाइड देना। नाउ वी सी हाउ मेनी कार्बन आर देयर, वी हैव जस्ट टू कार्बन इन द एल्कोहल एंड वी हैव टू कार्बन इन द एल्डिहाइड। नेक्स्ट वी सी एक एग्जाम्पल ना सेकेंडरी एल्कोहल की भी करके देखते हैं, जैसे कि CH3CHOH। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना, आपको खुद पता होना चाहिए कि अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी, आपको कैसे पता चलेगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप्स हैं, वन अल्काइल ग्रुप ये, दूसरा अल्काइल ग्रुप ये, सो इस हिसाब से यू आर सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए टू नॉट का हम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो सेम रिएजेंट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सो तीन कंपाउंड वाला एल्कोहल है और तीन कार्बन वाला एल्कोहल है तो बनने वाला कीटोन तीन कार्बन वाला ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी आसान। चले, और इसका नाम है एसीटोन। एसीटोन की बड़ी खास चुभती हुई स्मेल होती है जो कि नेल पॉलिश रिमूवर का भी हिस्सा है, यानी इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट। अच्छा जी, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की तो बात हमने कर ली, अब आपसे एक और इक्वेशन डिस्कस करनी है जो कि टर्शरी अल्कोहल्स है। सो लेट मी इरेज इट फॉर यू। अच्छा बेटे, अब पढ़ते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स किस तरह से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। सो टर्शरी अल्कोहल्स जो है ना वो रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है, यानी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, होना ही नहीं चाहते। और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की यानी सेम रिएजेंट की मौजूदगी में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन को ऑब्जर्व करवाते हैं। इक्वेशन लिखकर देखते हैं कि एक टर्शरी अल्कोहल लाइक दिस CH3C। अब आप देख लो, जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर लिख रही हूँ मैंने तीन अल्काइल ग्रुप्स लगाए हैं कार्बन पर जिस पर मेन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है और सेम रिएजेंट है K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि ये OH ग्रुप हटेगा और कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, मगर वहाँ पर टर्शरी कंडीशन है ना तो एलिमिनेशन हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल एमिट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर आया मिथाइल, फोर कार्बन अल्कोहल इज गिविंग फोर कार्बन एल्कीन और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हुई है, यानी एक कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हो रहा है और किसी भी दूसरे कार्बन से, चलो ये वाला कार्बन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सो इन दोनों बराबर बराबर वाले एडजेसेंट कार्बन एटम्स ने दो बॉन्ड्स ब्रेक किए हैं तभी बना है यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो दिस इज़ हाउ, अब आप जल्दी से याद कर लो कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल्स में ऑक्सीडेशंस कैसे होते हैं और उनकी इक्वेशन को कम्प्लीट कैसे करना है। चलो अब हम आ गए कि पढ़ें कि डिस्टिंक्शन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि डिस्टिंक्शन होती क्या है। बेटा लैब्स में कोई एक केमिकल टेस्ट हम ऐसा परफॉर्म करते हैं जिसकी जो रिज़ल्ट होता है ना वो ख़ास होता है, यानी हर कंपाउंड का अपना फिज़िकल टेस्ट होता है जैसे कि हम उसे चेक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दो कंपाउंड्स के दरमियान अगर डिस्टिंक्शन करनी होती है तो एक टेस्ट सिलेक्ट करते हैं, वो एक कंपाउंड के लिए पॉजिटिव होता है, दूसरे कंपाउंड के लिए नेगेटिव होता है, या फिर उनकी ऑब्जर्वेशंस अलग अलग होती हैं। अल्कोहल्स के लिए जो हम डिस्टिंक्शंस करते हैं फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी का जानने के लिए, पता लगाने के लिए, वो होता है कि उनको रिएक्ट करवाएं आप एक बड़े स्पेशल रिएजेंट से, दैट इज HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। अगेन आपकी आसानी के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि ये रिएक्शन हम अभी अभी पढ़ के आए हैं जिसमें आप देखोगे कि एल्कोहल रिएक्ट करते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड ताकि वो बना सकें RCl और H2O।
अब होना क्या है कि ये अल्कोहल प्राइमरी भी हो सकता है, ये अल्कोहल सेकेंडरी भी हो सकता है, ये अल्कोहल टर्शरी भी हो सकता है। ये तीनों के रिएक्शन इसी तरह हमने करवाने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और जिंक क्लोराइड के साथ। तो हमें मिलना है ऑयली प्रोडक्ट, जैसे कि देखो यहाँ पर ये रिएक्शन हमने करवाया टेस्ट ट्यूब नंबर वन में, हमारे पास अल्कोहल है और हमारे पास रिएजेंट है, और यहाँ पर देखो हमें एक ऑयली लेयर आ रही है। ये ऑयली लेयर का बनना कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब कितनी देर में ये हमें ऑयली लेयर मिलती है, ये हमें डिस्टिंक्शन करेगी बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं ना, उनमें ये आपको जो ऑयली लेयर मिलती है ये इमीडिएटली मिल जाती है, यानी जैसे ही आपने मिक्सिंग की, आपको शेकिंग की, फौरन आपको ऑयली लेयर मिल गई। प्राइम सेकेंडरी अल्कोहल्स में यही ऑयली लेयर आपको 5 to 10 मिनट्स में मिलती है, यानी आपने मिक्सिंग की, शेकिंग की और थोड़ा सा आपने इसको सेटल किया तो 5 मिनट के बाद ये ऑयली लेयर आपकी अचीव हो गई। और जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इसमें ये ऑयली लेयर 5 मिनट में, 10 मिनट में नहीं मिलती, बल्कि जब आप हीट करते हैं तब आपको मिलती है, ठीक है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ऑयली लेयर अबव द एक्वस मीडियम इज द कन्फर्मेशन और एनी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कोहल, और कितनी देर में बनेगी ये हो जाएगी इसकी डिस्टिंक्शन। एक एक एग्जाम्पल हम इसकी साथ में करके देखते हैं। चल अब इक्वेशन लिख के देखते हैं। सपोज वी हैव अ प्राइमरी एल्कोहल सच एज आर सी एच टू ओ एच एच सी एल सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड वी नीड टू हीट इट बिकॉज प्राइमरी है ना। तो आपका बना आर सी एच टू सी एल प्लस एच टू ओ, ठीक है। और एक और एल्कोहल जो कि सेकेंडरी है, अब याद है सेकेंडरी एल्कोहल जब एच सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो 5 से 10 मिनट में हमें वो ऑयली लेयर का प्रोडक्ट बनेगा, यानी आर सी आर H एंड Cl, वेरी गुड। मेरे लिखने से पहले अगर आप लिख रहे हैं या समझ रहे हैं तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। तीसरा, अगर एल्कोहल आपका ऐसा है जिसमें कि 3 अल्काइल ग्रुप है, यानी वो टर्शरी है, तो HCl और जिंक क्लोराइड के साथ वो फौरन रिएक्शन देता है, इसे बड़ी खुशी है रिएक्शन करने की, और बना लेगा प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड और सेम प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब जल्दी से आखिरी रिएक्शन पढ़ते हैं जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल। अब मीथेनॉल और इथेनॉल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, मैंने बिल्कुल जब चैप्टर का इंट्रोडक्शन था उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये दो अल्कोहल बड़े काम के हैं, और इसमें से मीथेनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ रखता है और एज अ सॉल्वेंट भी इसको यूज़ करते हैं, मगर क्योंकि ये ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है, ये पॉइजनस एल्कोहल है, मगर इसको एज अ रॉ मटीरियल हम यूज़ करते हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रोडक्शन के लिए। और इथेनॉल की तो क्या बात है, इथेनॉल जी आपका एज अल्कोहल भी यूज़ हो रहा है, एज सॉल्वेंट भी यूज़ हो रहा है, एज अ बेवरेज भी यूज़ हो रहा है, और इन द मेकिंग ऑफ अदर एंटीसेप्टिंग एंड डिसइंफेक्टेंट, जैसे कि आजकल सैनिटाइजर्स बड़ा बन रहा है ना सारी दुनिया में कोविड की वजह से, सो इथेनॉल की भी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन करना है, यानी गलती से भी हम मीथेनॉल का कंजम्पशन ना कर लें क्योंकि मीथेनॉल का जो नेचर है वो पॉइजनस है। सो एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा रिएक्शन है जिस रिएक्शन को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सैम्पल ऑफ एल्कोहल, यहाँ लिखती हूँ आपके लिए आर ओ एच, हमें चाहिए आयोडीन, आयोडीन नहीं बल्कि मैं लिखूंगी I2, ठीक है, और हमें चाहिए बहुत सारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने क्या करना है कि इथेनॉल जो है वो आयोडोफॉर्म बनाएगा जो कि येलो कलर का PPT है, ठीक है। अब अगर अल्कोहल आपका मीथेनॉल है तो वो कोई येलो कलर का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, और अगर आपका इथेनॉल है तो वो फौरन बनाएगा येलो PPT, येलो PPT मतलब येलो कलर का सॉलिड, जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब में बना है। सो अगर तो ये रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इथेनॉल
पॉजिटिव है, इथेनॉल इज प्रेजेंट इन द सैंपल. सो इक्वेशन भी देख लेते हैं. इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टिंग विद फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ आई टू प्लस सिक्स एन ए ओ एच. सो इफ यू गेट येलो क्रिस्टल्स दैट मीन्स इथेनॉल इज प्रेजेंट. सो दिस टेस्ट इज प्रूव टू बी द बेस्ट फिजिकल टेस्ट फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन मीथेनॉल एंड इथेनॉल. आज के लिए इतना ही. वीडियो लेसन्स वॉच करते रहिए, पढ़ते रहिए. योर एग्ज़ाम्स आर जस्ट ऑन योर हेड और अब आपके पास मज़ीद टाइम नहीं है. आप दिस मंथ यू विल बी कम्प्लीटिंग योर कोर्स सो दैट नेक्स्ट मंथ जो है वो आपका रिविजन के लिए इस्तेमाल हो और आप अच्छे अच्छे पेपर दें जाके जुलाई के महीने में. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. Do subscribe my channel and press the bell icon because जैसे ही मैंने अपलोड करनी है ना आपके पास नोटिफिकेशन आ जाना है और आप फ़ौरन से वीडियो वॉच करें. किताब से ज़रूर पढ़ें. टेक्स्ट बुक की रीडिंग हमेशा फ़ायदा देती है क्योंकि जब हम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं तो हमको आंसर्स लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है और फिर उनको याद करना भी आसान हो जाता है. मुझे अपनी दुआओं में याद रखें. आपकी कामयाबी में मैं अपना हिस्सा डाल रही हूँ और जब आप कामयाब होंगे तो उसमें मेरा भी थोड़ा सा हिस्सा होगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू. गॉड ब्लेस यू.